Hello children, a very good morning to all of you. So in class 4 EVS we were doing chapter number 3, A Day with Nandu, which is at page number 21 in your EVS textbook. In previous video we have already discussed its reading with explanation, and today we are going to do the book exercise of this chapter, which is starting from page number 22. So here is the first question. Nandu is only 3 months old but he weighs 200 kilograms. What is your weight? तो प्यारे बच्चों, वो क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर में नंदू जो कि एक बेबी एलिफेंट है, वो 3 महीने का है. उसकी उम्र, उसकी आयु कितनी है? 3 मंथ्स है. लेकिन उसका जो वेट है वो 200 किलोग्राम्स है, यानी कि वो 200 किलो का है. What is your weight? तो यहाँ पे आपको अपना वेट जो है वो लिखना है. तो मैंने यहाँ पे 25 kg लिखा है. आप 35-45 जितना भी आपका वेट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट. तो नंदू का वेट है 200 किलो, तो आप जैसे कितने और बच्चे ऐसे होंगे जिनका वेट हम ऐड करेंगे तो 200 किलो बनेगा, यानी कि नंदू के बराबर जो वेट होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा वेट 25 kg है तो मुझे मेरे जितने और 8 बच्चे चाहिए, उनका वेट ऐड करके हम 200 kgs पर पहुंच जाएंगे. तो आप जितना भी वेट यहाँ पे लिखेंगे उसमें कितने किलो आप ऐड करें, कितने बच्चों का वेट ऐड करें ताकि आपका 200 किलो जो वेट है उसके इक्वल हो जाए, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे. मूव ऑन टू पेज नंबर 24. पेज नंबर 24 पे आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, वॉट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू. तो अगर आप नंदू होते, नंदू की जगह, नंदू की तरह अगर आप बेबी एलिफेंट होते और आप एक हर्ड यानी कि एक झुंड में रहते, तो आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो करते? तो इसका आंसर है, आई वुड प्ले, सिंग, डांस, ईट, इंजॉय एट्सेट्रा. तो अगर हम नंदू की तरह होते तो हम खेलते, गाना गाते, नाचते, खाते पीते और बहुत सारा इंजॉय करते. नेक्स्ट, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग. तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो हाथियों का एक झुंड होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा उम्र की जो औरत होती है, फीमेल एलिफेंट होती है, डिसाइड एवरीथिंग. तो जो सबसे बूढ़ी लेडी फीमेल एलिफेंट होगी हाथियों के झुंड में, तो वही जो है वो फैमिली के सारे डिसीजंस जो हैं वो लेती हैं, सारे फैसले जो फैमिली के हैं वो एक ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट लेती हैं. और आपके घर में जो फैमिली के डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? तो माय फादर, कि मेरे जो पिताजी हैं वो हमारे घर में सारे डिसीजंस लेते हैं. अगर आपके घर में कोई और डिसीजन लेता है, जैसे कि आपकी मामा हैं या आपके दादाजी हैं या आपके बड़े भाई हैं, तो आप उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट, मूव ऑन टू पेज नंबर 25. नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू. इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू. तो नंदू जो है वो कौन कौन सी चीज़ें करनी पसंद करता है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. तो अगर आपको अपने दोस्तों के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करना हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें करेंगे? तो मैंने लिखा है, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग एंड साइकिलिंग. खेलना, नाचना, गाना, साइकिलिंग करना, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आएगा, तो मैं पूरे दिन में अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें करनी चाहूँगा. नेक्स्ट है, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स. तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स, जो हाथी हैं वो झुंड में चलते हैं. ऐसे और कौन से एनिमल्स हैं जो झुंड में चलते हैं, ताकि विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स. तो इसका आंसर है, शीप एंड एलिफेंट्स. आप गॉड्स भी लिख सकते हैं, काउस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एनिमल जो हैं वो एक झुंड में, एक ग्रुप में चलते हैं. नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप. क्या आप ग्रुप में रहते हैं? स्कूल में आपके 4-5 दोस्तों का कोई ग्रुप है या घर में? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट. क्या आपको उनकी तरह एक साथ रहना अच्छा लगता है? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप. आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है? हमें दोनों रीजंस जो हैं वो देने हैं. फर्स्ट है, वाई आई वुड लाइक, मुझे क्यों पसंद है.
हेल्पिंग, क्योंकि हम जब ग्रुप में रहते हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो गेम खेलना हो, चाहे होमवर्क करना हो। नेक्स्ट है प्लेइंग, साथ में ग्रुपिज्म में खेलने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम जब ज़्यादा होते हैं तो एक ग्रुप में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है वाई आई वुड नॉट लाइक, मुझे पसंद क्यों नहीं है। क्वारल, क्वारल होता है झगड़ा, क्योंकि जब हम ग्रुप में एक साथ रहते हैं तो कभी कभी हमारा आपस में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाती है, या फिर गेम में चीटिंग हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाती है जिसकी वजह से झगड़ा हो जाता है, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे कैप्टन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। तो जब हाथियों को चेन में बांध के रखा जाता है, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, तो उन्हें कैसा लगता होगा आपको अपनी फीलिंग बतानी है। दे फील सैड, अब अगर हमें कोई बांध दे कि सारा दिन तुम्हें इस रस्सी के साथ बांध के रखा जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, तो इसका आंसर है दे फील सैड एंड टायर्ड। एक जगह पे सारा दिन बंधे रहकर वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ वहाँ कहीं जा नहीं पाएंगे, अपनी मर्ज़ी से कहीं घूम नहीं पाएंगे, चाहे धूप है तो भी वह उनको वहीं पे रहना पड़ेगा, चाहे उनको गर्मी लग रही है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे और थका हुआ महसूस करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू पेज नंबर 26। हियर इज़ अ क्वेश्चन, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। तो क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है, अगर की है तो आपको कैसा लगा। सो इसका आंसर है येस, आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, इट फील्स ग्रेट। तो हाथी की सवारी करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन, राइट देयर नेम्स, आप कौन कौन से जानवर के ऊपर बैठे हैं, किस किस की सवारी की है आपने। तो इसका आंसर मैंने लिखा है एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल, हाथी, घोड़ा और ऊंट। उसके बाद यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, आपने बुक्स में भी अपने आसपास काफ़ी सारे जानवरों को देखा होगा। कुछ एनिमल्स अलोन होते हैं, अकेले, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं, तो आपको उन एनिमल्स के बारे में यहाँ पे लिखना है। सो इज़ इट नॉट मैं इट इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आपको ऐसे किसी एनिमल्स के बारे में पता है या आप लिखना चाहते हैं, सो यू कैन फिल योर आंसर हेयर। नेक्स्ट मूव ऑन टू पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे लिखा है थिंक एंड राइट, व्हाई डू यू थिंक द एग्रेट इज़ सिटिंग ऑन द बफलो। यहाँ पे हमें एक फ़ोटो दी गई है, एक पिक्चर दी गई है, इसमें एक भैंस के ऊपर एक जो एग्रेट है, बर्ड है, वो बैठा हुआ है। आपने ये एग्रेट बर्ड बहुत बार देखा भी होगा, सफ़ेद रंग का। सो क्यों ये जो है गाय या भैंस की बॉडी के ऊपर बैठा है, पीठ के ऊपर, तो क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो किसी एनिमल्स की पीठ के ऊपर बैठ के यहाँ से वहाँ जाते हैं, और बैठे बैठे वो क्या करते हैं कि जो एनिमल है उसकी बॉडी पे जितने भी कीड़े मकौड़े हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो उनको खा जाते हैं, और इसी तरह से जो एनिमल है उसकी बॉडी को वो कीड़ों से या ऐसे इंसेक्ट से बचाते हैं, ठीक है, अपनी चोंच से वो ऐसे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, तो दोनों की हेल्प हो जाती है। उन्होंने इंसेक्ट्स को खा लिया तो उनका पेट भर गया, उनको फूड मिल गया, और जिस एनिमल के इंसेक्ट्स को वो खा रहे हैं वो भी बीमारियों से बच जाएगा। तो एग्रेट जो है वो भैंस की पीठ के ऊपर बैठ के क्या कर रहा है, इट ईट्स इंसेक्ट्स ऑन द स्किन ऑफ बफलो। तो भैंस की स्किन के ऊपर जितने भी कीड़े मकौड़े हैं वो उनको खा लेता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन द अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। क्या आपने कभी एक एनिमल को दूसरे एनिमल के ऊपर सवारी करते देखा है, अगर देखा है तो उनके नेम लिखो। फर्स्ट वन द एनिमल विच इज़ राइडिंग, जो सवारी कर रहा है, तो हमने किसको देखा है, चिड़िया को, उसका आंसर है स्पैरो। नेक्स्ट है द एनिमल विच गिव्स द राइड, अब जो जानवर उसे सवार करके ले जा रहा है, राइडिंग दे रहा है जो, वो है बफलो। भैंस जो है वो राइडिंग दे रही है, और एनिमल जो राइड कर रहा है वो कौन है, स्पैरो, बर्ड। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, तो कौन कौन से जानवरों को हम राइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका आंसर है एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, जो वज़न होता है, भार होता है, बड़े बड़े भारी चीज़ें होती हैं, उनको कैरी करने के लिए कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ हम कर सकते हैं, डंकी, बुलक एंड कैमल, ठीक है। तो डंकी, बुलक, बुलक कार्ट भी हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस चैप्टर में, तो डंकी, बुलक एंड कैमल जो हैं ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम लोड कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 28 के ऊपर आपको एक एलिफेंट बनाना जो है सिखाया गया है एक पेपर कटिंग की मदद से। तो आप इस एक्टिविटी को रीड करके अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं, समर वेकेशन है आपको। उसके बाद पेज नंबर 30 के ऊपर भी आपको एक एलिफेंट की पिक्चर दी गई है और पूछा गया है कि इस एनिमल की कितनी लेग्स हैं। तो एलिफेंट जो हैं, जब वो मुश्किल में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरह लाइन बना के वो चलते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। तो छोटे छोटे जो एलिफेंट्स हैं वो उनको लाइन के सेंटर में रखते हैं, और आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं वो चलते हैं। यू हैव रेड व्हाट दिस एनिमल्स से, व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। कुछ एनिमल्स सैड हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, तो क्या चीज़ है वो इस पेज में, पेज नंबर 29 में आपको दिखेगी। लेट अस स्टार्ट, व्हाट डू दे से, क्या कहते हैं ये। ये सबसे पहले स्नेक है। द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। तो ये एक बेचारे सांप ने बोला है कि मैं हमेशा सारा दिन एक टोकरी में पड़ा रहता हूँ, बाहर की जो दुनिया है, खुला जंगल है, खुली ताज़ी हवा है, वो तो मुझे भूल ही गई है कि वो कैसी होती थी। एक छोटी सी टोकरी और एक सपेरा, यही बस मेरी लाइफ जो है वो बन के रह गई है। तो ये स्नेक जो है ये छोटी सी टोकरी में रहता है आजकल, इसे जंगल में नहीं छोड़ा जाता, इसे पकड़ के एक सपेरे ने टोकरी में रख लिया है। तो उसे खुली हवा, जंगल, ऐसी चीज़ें अभी बहुत याद आती हैं जो कि वो भूल चुका है कि वो कैसी थी। नेक्स्ट आपके पास एक क्या है, ये आप सभी ने देखा होगा, ये एक भालू है। यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जम्पिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। आपने मुझे सर्कस में देखा होगा नाचते हुए, कूदते हुए, बड़े बड़े आग के गोलों में से छलांग लगाते हुए। यू क्लैप एंड इन्जॉय, आप तालियां बजाते हैं, इन्जॉय करते हैं। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस, तो क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ मैं भी इन्जॉय करता हूँगा। इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड ओनली गेट अ बीटिंग। अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा और मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई जो है वो की जाएगी। तो वो बेचारा जंगल में रहने का आदी है, उसे आदत है क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, लेकिन हम लोग उसे पकड़ के सर्कस में नचाते हैं, उससे अलग अलग तरह के स्टंट्स करवाते हैं, जिससे हम सब तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो बेचारा बहुत उदास रहता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ही विल गेट नो फूड, उसे खाना नहीं मिलेगा और उसे उसकी पिटाई भी की जाएगी। नेक्स्ट है हॉर्स। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने सिर्फ ये देखा है कि मैं कितना तेज़ दौड़ सकता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, कभी आपने मेरे शूज़ देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स। जब वो मेरे जो खुर हैं, पैर हैं मेरे, उनके साथ मेरे शूज़ को अटैच करते हैं बड़े बड़े कीले लगा के लोहे की, आयरन की, तो मुझे इतना दर्द होता है कि वो जो पेन है वो अनबेरेबल है। लेकिन आप सबको मेरा तेज़ दौड़ना ही दिखाई देता है, किसी को मेरा पेन जो है, मेरा दर्द जो है वो नज़र नहीं आता। नेक्स्ट ये कंगारू मंकीज़ हैं। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। ये हमें बहुत खुश करते हैं, हमें नचाते हैं, हमें बहुत मज़ा, इन्जॉय, अम्यूज़मेंट देते हैं, इवन इफ़ वी डोंट वॉन्ट टू और वी आर इन पेन। चाहे हम कितना भी हंसना ना चाहें, हम थोड़े उदास हों या हमें कोई पेन हो रहा हो या कोई मुसीबत है, लेकिन ये फिर भी हमें नचाकर हंसाते हैं। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक, लेकिन वो भी सिर्फ खाली पेट के साथ, क्योंकि उस टाइम इन्हें बहुत भूख लगी होती है और ये हमारा मनोरंजन करके कुछ खाने की चीज़ों का की उम्मीद हमसे लगाते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट ये एक कैट है, बहुत ही प्यारी सी, म्यों म्यों म्यों। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। मैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूम सकती हूँ, रोम मैंने होता है घूमना। चिल्ड्रन लव मी अलॉट, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, वो मेरे ऊपर प्यार से हाथ सहलाते हैं मेरी बॉडी पे और मुझे पीने के लिए दूध भी देते हैं। नेक्स्ट ये एक बहुत ही लविंग सा पिजन है, कबूतर है। गुटरगू गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। गुटरगू गुटरगू इसकी साउंड होती है, ठीक है, लोग जो हैं इसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाते हैं और तरह तरह के अनाज खाने के लिए देते हैं। तो हमने क्या देखा, इसमें कुछ एनिमल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा सैड थे, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है।
How do you think they are different? The monkeys that entertain, dance to entertain people and the monkeys that are free. कुछ monkeys ऐसे हैं जो जंगलों में बिल्कुल free रहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर jumping करते हैं, मज़े करते हैं, और कुछ जो हैं बंदरों को मदारियों ने पकड़ लिया है, वो उनको सर्कस में लेके जाते हैं, पैसा कमाने के लिए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो this chapter is all about animals. इनकी book exercise को आप pencil के साथ अपनी book में fill कर सकते हो. एंड जो भी फैक्ट्स हमने एनिमल्स के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में या बर्ड्स के बारे में, जो एग्रेट्स हैं जैसे वो किसी की स्किन से इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो भी हमने पढ़ा इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो जो मैंने इसी चैनल पे अपलोड की है, आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं. सो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर 3, अ डे विद नंदू. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू.